अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम एक हकीकत है चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे, खुश और खुर्रम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम की खुशियाँ ता फरमाए, आमीन। जिन्नात को भगाने का एक ज़बरदस्त मुजर्रब आजमूदा अमल लेकर हाजिर खिदमत हूँ। अगर आप रूहानी इलाज करवा कर थक चुके हैं और इलाज करवा कर मायूस हो चुके हैं, अब आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार ये अमल आप ज़िंदगी में ज़रूर करें। जिस घर में, जिस मकान में और जिस दुकान, दफ्तर या फैक्ट्री, दुनिया के किसी भी कोने के अंदर जिन्नात हैं, आपको तंग करते हैं, नुकसान देते हैं, कारोबार के अंदर भी नुकसान देते हैं, मालो जाम के अंदर भी नुकसान देते हैं, आप ये अमल सिर्फ 7 दिन आपने ये करना है तो रिज़ल्ट इंशाल्लाह बफजल खुदा आपके सामने होगा। अमल बताने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। अमल क्या है? अमल ये है कि आप नमाज इशा के बाद रोज़ाना 7 दिन, नमाज इशा के बाद रोज़ाना 7 दिन आपने इस तरह करना है, घर के जो मेन 4 कोने हैं हर एक कोने में आपने बुलंद आवाज़ से एक बार अजान पढ़नी है, फिर दूसरे कोने के अंदर भी अजान पढ़नी है, फिर तीसरे कोने के अंदर भी अजान पढ़नी है और चौथे कोने के अंदर भी आपने अजान पढ़नी है। जिन 4 कोनों के अंदर आपने पहली रात अजान पढ़ी है, 7वीं रात भी आपने उसी कोने के अंदर ही 7 रातें मुसलसल अजानें पढ़नी है एक एक बार। अजाने पढ़ने के बाद जो घर का सेंटर है, जो घर का सेंटर है, आप उस घर के सेंटर के अंदर खड़े होकर बैतुल्ला शरीफ की तरफ मुंह करके आपने ये आयाते मुबारका पढ़नी है 7 बार। सूरतुल अहकाफ याद रखिए, ये 26वें पारे की पहली सूरत है। इसके 4 रकू हैं। चौथे रकू के अंदर की जो आखिरी 7 आयतें हैं वो शुरू होती हैं यहाँ से, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इस्सरफना इलैका नफरम मिनल जिन्न यस्तमिउनल कुरआन से लेकर आखिरे सूरत तक। इनको पढ़ने की 2 सूरतें हैं। अगर आप हाफिज़ कुरान हैं तो आप इनको ज़ुबानी पढ़ें, बुलंद आवाज़ से पढ़ें। अगर आप हाफिज़ नहीं हैं तो आप हाथों में कुरान लेकर खाना काबा की तरफ मुंह करके आपने इन आयतों को अपने 7 बार बुलंद आवाज़ से पढ़ना है। इस अमल को करने के लिए आपको किसी किस्म के डर या खौफ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हिसार के लिए पहले 4 अजानें पढ़ चुके हैं। पहले 4 अजानें पढ़नी हैं, अजानें पढ़ने के बाद फिर आपने सूरतुल अहकाफ पारा नंबर 26 की जो पहली सूरत है, इसी का नाम सूरतुल अहकाफ है, इसकी जो आखिरी 7 आयतें हैं आपने उनको 7 बार रोज़ाना पढ़ना है। इंशाल्लाह बफजल खुदा जो घर के अंदर छेड़खानी थी, घर के अंदर बर्तनों की आवाज़ें आती थी, घर के अंदर किसी के चलने की आवाज़ें आती थी, घर में लड़ाई झगड़े शोर शराबे जो थे जिन्नात की वजह से, आपको 3री रात में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, आपने 7 रातें मुसलसल ये अमल को कंप्लीट और मुकम्मल करना है। इंशाल्लाह फिर देखेंगे कोई जिन आपके घर में, आपकी फैक्ट्री में, दुकान में और आपके ऑफिस में नहीं रह सकता, ठहर ही नहीं सकता, क्योंकि इन आयात के अंदर और अजाम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने वो ताकत रखी है, अल्लाह तबारक व तआला ने वो जौहर रखा है, ये इनको टिकने नहीं देगा। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये काविश आपको जरूर पसंद आएगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।